इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम डिसिशन के तमाम तर पहलुओं को वो अंडरस्टैंड करें एज पीटर एफ ट्रकर वन सेड के द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इज नॉट सेड रिमेंबर इट इज आल्सो सेड इन अ वेरी लिटरेरी फैशन के अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन हर्ड बासुकात हमें इन बिटवीन द लाइंस चीजों को समझना पड़ता है बासुकात हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो क्या बात डिस्कस नहीं की गई वो कौन से एस्पेक्ट्स से जो हमसे पोशीदा हैं वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनके बारे में शायद डिटेल हमें मजीद रिक्वायर्ड होगी तो उसके लिए हमें दोबारा से हो सकता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन वो लॉन्च करनी पड़े हमें क्वेश्चनिंग करनी पड़े हमारा बहुत बड़ा टैलेमा यह है कि हम डिसीजन मेकिंग के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान क्वेश्चनिंग नहीं करते जबकि क्वेश्चन करने से सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है सिचुएशन और हम उन को कर सकते है, कि हमें, वो करने चाहिए। हमें वो बात जानने की कोशिश करनी चाहिए जो बात शायद प्रॉपरली एलैबोरेट नहीं की गई या विच इज समथिंग क्रिएटिंग एम्बिग्विटी जिससे कि कोई उलझाव क्रिएट हो रहा हो सो क्लैरिटी स्पेसिफिकेशन एलैबोरेशन डिस्क्रिप्शन तमाम तरब है ये तमाम तरह एक्सप्रेशन है कि जिनको यूज करना इन द डिस प्रोसेस हमारे लिए बहुत जरूरी होगा आप इस मकसद के लिए याद रखिएगा कि एग्जाम्पल अगर हम उन स्टेप्स को लेबोरेट करें तो द फॉलोइंग थिंग वु कम इन आर माइंड द फर्स्ट थिंग इज दट इंफॉर्मेशन मोनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग हैव टू बी बिल्ट इन टू द डिसन प्रोवाइड कंटिन्यूस टेस्टिंग अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है बिकॉज जब तक हम इंफॉर्मेशन को मॉनिटर नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल्टर वो हो रही है बिकॉज सम सम टाइम्स टाइम्स आर आर जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाती है और अननेसेसरी डेटा वो आप तक पहुंच जाता है तो हमें इस बात पर केयरफुल रहना होगा कि मॉनिटरिंग प्रस्पेक्टिव क्या है रिपोर्टिंग चैनल्स कौन कौन से हैं क्या इंफॉर्मेशन फिल्टर हो रही है और कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्कस वो की जा रही है द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द बेस्ट डिसीजन हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग रॉन्ग इस बात को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा बिकॉज रिस्क इज जस्ट लाइक अ अडो विद द डिसीजन और रिस्क इज ऑलवेज देयर वी जस्ट कैन नॉट मेक इट जीरो हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन बहुत से अनफोर्सिन इवेंट्स हमेशा से होंगे अब डिसीजन हमारा कितना ही बेस्ट क्यों ना हो प्रबेबिलिटी दीचुअली केयरफुल वी हैव टू बी कॉशियस और यहीं से ही फिर हमारे कॉन्टीजेंसी परस्पेक्टिव वो डेवेलप करते हैं वट इफ प्लान डेवेलप करते हैं वट कैन बी द प्लान बे वट कैन बी द प्लान बी वट कैन बी द प्लान सी हमें इस बारे में केयरफुल वो रहना होगा द थर्ड एस्पेक्ट जो कि फीडबैक में हमें जहन में रखना होगा और वो ये है कि फीडबैक शुड कम फ्रॉम ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स जैसा कि हम 360 डिग्री फीडबैक की बात करते हैं ऑल द पीपल इन्वॉल्व एसोसिएटेड एफिलियेटेड प्रॉब्लम शुड बी इन्फॉर्म्ड और उन सबसे हमें फीडबैक लेना चाहिए कि हाउ मच वॉज द इफेक्टिवनेस एंड दफिशियंसी ऑफ द डिसीजन उसके परफॉर्मेंस आउटकम्स इवेंचुअली क्या हैं और उनको डॉक्यूमेंट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा विकास आज का किया हुआ फैसला कल के लिए हमारे लिए प्रेसिडेंट की हैसियत वो रखता है द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द सीएम मेकर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे शुड बी ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर फीडबैक इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स में चीज का होना न्यूमेरिकल वैल्यूज में होना वो बहुत जरूरी है नंबर्स हमें अप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड के बारे में बता पाते हैं नंबर हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस कदर किस चीज की कहां पर जरूरत थी नंबर्स आर इंपॉर्टेंट एंड ट्राई शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू कम अप विद द क्वालिटी इन क्वांटिटी एज वेल और ये तमाम काम करने से हमारा मकसद ये है कि हम किसी तरीके डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव और एफिशेंट वो बना सकें प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकें रिस्क को ओवरकम कर सकें और वो आउटकम हासिल कर सकें जिस आउटकम की तवक्को ऑर्गेनाइजेशन को मौजूद है हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए और हमारी परफॉर्मेंस शुड ऑलवेज बी टेकन अप एज पॉजिटिव डेवलपिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डिसीजन फीडबैक में ही हम इस बात को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हम कहां पर गलत थे कहां पर सही थे कहां पर हमें चीजों को री एनर्जाइज करने की जरूरत है कहां पर हमें चीजों को री इंजीनियर करने की जरूरत है सो तो बाजने को भी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से वो गुजरना पड़ता है सो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तब्दीली की जरूरत है कहां पर डेवलपमेंटल पर हमें इनकॉर्पोरेट करना है और हमारा रोल उसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि डिसीजन की इफेक्टिवनेस हमें ट्रू मीनिंग्स में तब पता चलती है वेन द डिसन इज एग्जीक्यूटेड और डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि वट आर द टेंजेबल फिजिकल प्रैक्टिकल आउटकम्स और आया वो आउटकम्स हमारे लिए फेवरेबल भी हैं या नहीं